सो हेलो दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। एंड यू आर वॉचिंग ड्रॉ विद क्रिश बेलवाल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है। सो आज जैसे देख सकते हो, हम तैयार हो गए हैं एंड मैं और मेरा भाई जा रहे हैं मनसा देवी। एंड मनसा देवी में मैं क्यों जा रहा हूँ, सबसे पहली बात तो यार बहुत टाइम हो गया वहाँ नहीं गया। एंड साथ ही साथ मेरे को एक चीज़ कवर करनी थी जो कि था हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। एंड ये जो है अभी नया सिलेबस में आ रखा है एंड ये मैंने डिप्लोमा में पढ़ रखा है, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। एंड साथ साथ मैं इसके बारे में थोड़ा समझा दूंगा कि किस तरीके के टेम्पल्स जो हैं हमारे आते हैं। सो अगर आप नए हो चैनल पे, सबसे पहली बात तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस को आप मिस ना कर सको। सो मंदिरों के बारे में अगर बताऊं, सो मंदिर जो हैं हमारे तीन पार्ट में क्लासीफाई हैं। सो जैसे कि देख बताया गया था आपको मैंने पहले भी, सो नागरा, द्रविड़ा एंड हमारा विसारा। ठीक है, तो विसारा जो है वो मिक्स होते हैं एंड उनके अंदर विसारा के अंदर जो होते हैं वो आपके लगा के चलो जैन टेम्पल्स भी आते हैं। एंड जो नागरा स्टाइल है उसके अंदर नॉर्दर्न स्टाइल के आ जाते हैं एंड जो हमारा द्रविड़ा है उसके अंदर हमारे साउदर्न स्टाइल के आते हैं। तो नॉर्दर्न स्टाइल के अंदर जो होता है वो आपका शिखर यूज़ होता है एंड जो साउदर्न स्टाइल है उसके अंदर हमारा विमान यूज़ होता है। अब विमान एंड शिखर क्या है, सो वो आपको मनसा देवी वाले ब्लॉग में पता लग जाएगा। मनसा देवी का जो ये ब्लॉग बन रहा है, सो इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉनर दिखाऊंगा किस तरीके से जॉनर भी गया, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स दिखाऊंगा किस तरीके से हम जो है, हम तो नॉर्मली जब जाते हैं तो हम इतना नोटिस भी नहीं करते बिकॉज हमें इतना पता भी नहीं होता कि यार हाँ हम गए एंड सीधा भगवान को, मतलब हम एक तरीके से भक्ति करने जा रहे हैं, है ना। हम वहाँ नोटिस छोड़ना करने आ रहे हैं कुछ भी, बट अभी हम जो जा रहे हैं तो भक्ति भी करेंगे एंड थोड़ा बहुत नॉलेज भी ले लेंगे किस तरीके से हमारी चीज़ें जो है वो स्टेप वाइज काउंट हो रही हैं। मनसा देवी जाएंगे एंड वहाँ पे आके हम देखेंगे कि पहले हमारा क्या पड़ा, फिर क्या पड़ा, फिर क्या पड़ा एंड भंडारा भी जो है वो भी क्या पता हम ले माता की कृपा हुई तो। सो बस अभी इतना ही बताऊँगा एंड पूरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि यार ऐसी वीडियोज़ जो है ना वो मिस ना कर सको। एंड अभी थोड़ा बहुत कॉलेज की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मेरे को ब्लॉगिंग करने में। अभी जैसे कि मनसा देवी जाएंगे तो वहाँ पे मैं ट्राइपॉड सब ले जा नहीं सकता, तो हाथ से शूट करूँगा सारा का सारा एंड माइक भी नहीं ले जा सकता। सो यार क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा चेंज मतलब हो जाएगी, क्योंकि अगर अपने वैसे भी आपको फ़र्क तो पता नहीं चला होगा क्योंकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स की आपने देखी तो है नहीं वीडियो, अगर इसे देखी तो बहुत बढ़िया, बट उसमें मैंने ऑडियो क्वालिटी जो थी वो चेंज कर दी थी। अभी देखता हूँ कि ले जाने देंगे कि नहीं ले जानेंगे, तो वो देखा जाएगा, बस ये बताना चाहूँगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो यहाँ पे पूजा भवन भी है जो कि अभी खुले नहीं है, सो ये रहे। यहाँ पे अनुराध यहाँ पर है, तो अभी हम मंदिर के जस्ट जहाँ से स्टार्ट होता है सो वहाँ के पीछे आ गए हैं बैक साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंडस्केप एंड साथ ही साथ स्कल्पचर बहुत सारे। सो अब फिर मंदिर में चलते हैं सीधा। सो अभी आ गए हैं मंदिर पे, सो जैसे कि देख पा रहे हो, सो जैसे कि अभी माता के मंदिर आए गए मनसा देवी, तो जैसे कि देख पा रहे हो सबसे टॉप पे हमारा जो है वो शिखर है, ठीक है। एंड उसके ऊपर जो देख पा रहे हो वो आपका जैसे कि लोटस का जो है, अगर आपको दिखाऊं के ऊपर जो है आपका लोटस जो दिख रहा है टॉप पे, सो उसको हम कहते हैं अमलका। एंड उसके जो ऊपर है टॉप पे उसको कहते हैं हम कलश, ठीक है। जो था आपने जैसे कि देख लिया। और ये जो है ये आपका लटीना रेख प्रसादा टाइप का जो शिखर है वो है। सो ये लटीना रेख प्रसादा क्या होता है, इसके अंदर जो है वो स्क्वायर बेस होता है नीचे एंड उसके ऊपर जो है वो शिखर होता है, जैसे कि देख लिया। एंड जो हमारे नॉर्दर्न स्टाइल के होते हैं उनके अंदर एक चीज़ एड ऑन होती है, वो है आपका कि उसके अंदर हमारा पहले मंडप आ जाते हैं, ठीक है। और नॉर्दर्न में क्या, साउदर्न में भी दोनों में होते हैं, बट इस वाले मंदिर में यहाँ पे वो चीज़ें अभी है नहीं। एंड जो इसमें जो चीज़ है वो है आपका एक बड़ा, इसमें चारों तरफ जो कि पूरा सराउंडेड है मंदिर के,
एंड यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके बाद आगे तो मंडपा जो है वो एक स्पेसिफिक अलग चीज़ है, और वो जो है आपको दूसरे मंदिरों में, जैसे कि आपको मध्य प्रदेश के काफ़ी मंदिरों में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहाँ पे कलिंगा मंदिर जो है वो भी है, ठीक है, और आपका लक्ष्मण मंदिर जो है वो, उसमें भी आपको मंडपा देखने को मिल सकता है, और मंदिर है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। और सामने आपको यहाँ पे आपका गोपुरम जिसे बोलता हूँ, एंट्रेंस गेट जो है वो भी यहाँ पे है, बट इतना ह्यूज नहीं जैसे कि एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्टाइल। सो नॉर्दर्न स्टाइल के अंदर बहुत बड़े बड़े गोपुरम होते हैं, जो मेन मंदिर होता है उससे भी बड़े गोपुरम होते हैं। अगर आप मानो तो मैं बता देता हूँ कौन से मंदिर होते हैं। सो जैसे कि मदुरई के अंदर, मदुरई के जितने भी मंदिर हैं, उस पहली बात तो उनकी एंट्रेंस ही बहुत सारी जगह जगह से होती हैं। सो 4 से 7 जगह जो होती है उनकी एंट्रेंस होती है, उसके बाद वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से सिटी है वो भी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे जो शिखर हैं वो यूज़ करे गए हैं। साउदर्न के अंदर आपके विमान जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, वो यूज़ करे करे जाते हैं, मतलब वही जो है हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्लासिफिकेशन है, जो नॉर्दर्न स्टाइल के आर्किटेक्चर है वो हमारे जो मंदिर हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। एंड जो सदन के हैं वो अलग टाइप के होते हैं, वो भी यहाँ पे कोई कवर अगर कर सकूँ तो नॉर्दर्न में मुश्किल से मिलते हैं, बट मेरे को एक नॉन में है, बट देखते हैं वहाँ पे हम जा पाएंगे कि नहीं, एंड वहाँ जाके हम बनाएंगे कि नहीं। सो अभी आपने देख लिया एंड सीख लिया कि किस तरीके से हमारे जो मंदिर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। सो ये मेरे को समझा रहा है कि बंदर जो है वो फ़ोन छीन लेते हैं, तो वीडियो भी बना रहा हूँ मैं साथ ही साथ, उसको पता नहीं है, वीडियो काट दियो बोल रहे हैं, तो देखते हैं अपलोड भी पता कर सकता हूँ मैं। तो आपने पूरी पूरी वीडियो देख लिया, कैसी लगी बताना ज़रूर, और बस हम मंदिर को पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, उसके बाद आपसे बाहर मिलेंगे, शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, दिखाएंगे आपको शॉपिंग, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ है नहीं, बट देखो बाकी यहाँ पे व्यू देखो, अब बोल उधर देख जरा भीड़। सो है दोस्तों, फाइनली मैं घर आ गया हूँ और भाई के साथ आ गया हूँ साथ ही साथ, एंड उसको छोड़ के नहीं आया हूँ। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताना ज़रूर, और इंफॉर्मेटिव लगी से तो इंफॉर्मेटिव ही बनानी थी मेन तो वीडियो को, और यार थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ जो थी वो आ रही होगी, क्योंकि यार माइक जो था वो पहली बात तो मैंने भाई को दे रखा था, सो वो थोड़ा सा उसके हाथ से हिल गया होगा, तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, ऑडियो जो है वो फट गई थी, सो इसी वजह से मैंने वो वाली वीडियो अपलोड नहीं करी है। एंड उसके हिसाब से फिर मैंने जो सेल्फी वाली करी है तो वही वाली आपने नोटिस करी होगी, उसमें मैंने आपको समझाया था। एंड अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, ताकि मैं इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ। एंड इसके बाद भी एक वीडियो आएगी जो कि शॉर्ट होगी, बट उसमें थोड़ा डिटेल होगा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, एंड थोड़ा ब्रीफ भी दूंगा उसके अंदर कि यार जो शिखरा विमाना क्या क्या है एंड किस तरीके से, तो बताना ज़रूर किस तरीके से आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, एंड मनसा देवी का टूर या फिर आपने दर्शन कैसे करे, क्योंकि यार दर्शन इन चीज़ों पे ना वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है वो एरिया, सो इसीलिए मैंने वहाँ पे कोई अपलोड नहीं करी, कोई शूट नहीं करा। सो वैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको थोड़ी प्राइवेसी में रखना चाहिए, तो हमने उसका ध्यान रखा है, एंड पूरे का पूरा जैसे कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने वो बाहर बाहर से आपको दिखा दी। सो यही था अभी तक का ब्लॉग। एंड यार भंडारे में भी हम गए, भंडारे का मैंने शूट नहीं कर पाया, वहाँ पे हमने चाय और रस खाए, उस टाइम पे वहाँ पे वही मिल रहे थे, एंड भंडारा बस स्टार्ट होने ही वाला था, तो उससे पहले मतलब जो मेन खाना होता है वो स्टार्ट होना था, उससे पहले ही हम आ गए थे। सो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छी तरीके से हम भंडारे में जाएंगे, एंड थोड़ा जल्दी चले गया था मैं इसीलिए, तो आपकी भीड़ से हम सामना ना कर सके। मेरा भाई भी एंड में वीडियो में बोल भी रहा है कि यार भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई है, एंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी भीड़ वहाँ पे, सो यार इसीलिए। तो बस यार यही कहना चाहूँगा, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हो तो। बाकी आपको कोई और या फिर रिलेटेड टू चंडीगढ़ कोई वीडियो चाहिए तो यार बताना ज़रूर, और अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो तो कौन सी जगह आपने ऐसी देखी जो कि यार डेफिनेटली मुझे भी शूट करनी चाहिए, तो यार प्लीज़ बताना, एंड बस यही कहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।